हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम लेक्चर 3 देखने वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। अगर हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है या इस लैंग्वेज में हमें क्या मिलने वाला है। ये सब चीज़ें किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए। सी लैंग्वेज बनने से पहले एक मार्टिन रिचर्ड्स नाम के शख्स थे जिन्होंने लैंग्वेज बनाई थी BCPL, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइनेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उन्होंने लैंग्वेज बनाई थी 1966। उन्होंने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंबाइन करके एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा BCPL लैंग्वेज। इसके बाद केन थॉम्सन, जो कि बेल लेबोरेटरीज में काम करते थे, उन्होंने BCPL को ही इम्प्रूव करके एक नई लैंग्वेज बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा बी लैंग्वेज। और उन्होंने ये काम किया था 1969। और बी लैंग्वेज को बनाने का एक ही मकसद था, हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए उन्होंने बी लैंग्वेज को बनाया। फिर बी लैंग्वेज की मदद से ही उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आज बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करते हैं। हाँ, ज्यादातर अब हम कॉलेजों में इसका यूज नहीं करते हैं, या घरों की अगर हम बात करें इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का हम यूज नहीं करते, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करती हैं। एक और व्यक्ति डेनिस रिची, जो कि केन थॉम्सन के साथ ही बेल लेबोरेटरीज में काम करते थे, ये दोनों एक साथ बेल लेबोरेटरीज में काम करते थे। डेनिस रिची ने 1972 में एक नई लैंग्वेज बनाई जिसका नाम उन्होंने सी लैंग्वेज रखा। जिस सी लैंग्वेज को हम आज पढ़ते समझते हैं, ये लैंग्वेज जो है 1972 में बनी है, किसकी मदद से? डेनिस रिची की मदद से, जिसका मोटिव फिर यही था कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जो कि अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक पहले से ही बना था बी लैंग्वेज की मदद से। उन्होंने फिर बी लैंग्वेज को ही इम्प्रूव करके एक नई लैंग्वेज बनाई जिसका नाम उन्होंने सी लैंग्वेज रखा, और फिर इसी में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और फिर इसी में ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग की, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया ताकि इसमें नए फीचर्स ऐड हो जाए। आज हम जिस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते समझते हैं वो सी लैंग्वेज में ही बनाया गया है। सो सी लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर बिगिनर्स हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जो है सी लैंग्वेज को ही अच्छी तरह से सीखें। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस तरह के और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।